हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास हीरो होंडा का दोस्तों स्प्लेंडर बाइक का ये मॉडल खड़ा है। दोस्तों, हीरो होंडा की पार्टनरशिप के टाइम का ये मॉडल है दोस्तों। और इसमें आज दोस्तों मैं ऑयल पंप के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं वैसे जानकारी कोई इतनी बड़ी नहीं है दोस्तों, लेकिन हम आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें इसमें दोस्तों बताना चाहेंगे कि ऑयल पंप की गरारी किस तरीके से चेंज करेंगे और दोस्तों किस तरीके से लगाई जाती है, इसको किस तरीके से रिप्लेसमेंट करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोस्तों पता नहीं है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, आपको कुछ सीखने और जानने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये टाइमिंग चेन की वजह से हुआ है। इसके दांते बिल्कुल ऑफ हो गए दोस्तों, ये ऑयल नहीं चला पा रही थी, बहुत ज़्यादा लूज थी। इसकी टाइमिंग चेन को मैंने ओपन किया है दोस्तों और इसको निकाला है। तो दोस्तों, इसको किस तरीके से चेंज करेंगे ये हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हमने क्या किया, इसको पहले यहाँ पे तोड़ दिया है इस तरीके से पेचकश की मदद से। दोस्तों, इसको हथौड़ी से तोड़ा है हमने, इसको अंदर की साइड इस तरीके से यहाँ से तोड़ा, और उसके साथ साथ इसको कैसे निकालेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, गरारी में ये भी बताएंगे उल्टा सीधा किधर से होता है, हमें किस तरीके से किस पोर्शन को किधर रखना होता है और कैसे रखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जिन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, फटाफट इसको निकालेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप पेचकस को ले लेंगे और इसको अंदर की साइड ठोकेंगे दोस्तों, इस तरीके से गरारी को जिसका बुश होता है दोस्तों बिल्कुल तोड़ देंगे, और खाली बुश जो होता है वो शाफ्ट में लगा रहना चाहिए। इस तरीके से इसमें लगाएंगे, इसको ठोक के इस तरीके से बाहर की साइड पुश करेंगे। इस तरीके से करने के बाद अब आप इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक 10 नंबर का बोल्ड लेना है, इसको इस तरीके से यहाँ पे टाइट कर लेना है इसके पंप के बुश में, और क्या करेंगे दोस्तों प्लास की मदद से इस तरीके से लेंगे और इसको दोस्तों थोड़ा खींचेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे दोस्तों पूरी तरीके से, ये बुश में से हमारी गरारी छूट जाना चाहिए, इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, ये बोल्ट को ओपन कर लेंगे और इसके साथ साथ अब इस बुश को जो हमारी साफ्ट में है दोस्तों, ये हमने निकाल दिया है इसको। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारा पंप काम नहीं करता है, गाड़ी में साउंड आती रहती है। तो दोस्तों, इसको निकाल लिया। चलिए दोस्तों, इस बुश को कैसे खोलेंगे आप, इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको ओपन करना है। दोस्तों, आप कोई चीज़ ले लेंगे लोहे की, इस तरीके से रखेंगे इस पर, और प्लास या कोई भी भारी मतलब हथौड़ी वगैरह की मदद से इस तरीके से इस पर चोट मारेंगे आप, ठीक है। इस तरीके से इसको ठोक लेंगे दोस्तों, उसके साथ साथ क्या करेंगे, ये हाथ से ही खुल जाएगा। आप देख रहे हैं ये ओपन हो गया है। दोस्तों, इसमें पहले से ही किसी ने जुगाड़ कर रखा है, ये शाफ्ट जिस तरीके से काटी है दोस्तों इसी तरह, दोस्तों ये जिस तरीके से काट रखा है इसको इसी तरीके से काट के दोस्तों इसका पेचकस से पैल बना के स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोस्तों इसको लगाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको लगा के दिखाना चाहेंगे इस तरीके से क्या करना है। इसकी साफ्ट को यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, डस्ट हो रहा है इसमें। इस तरीके से दोस्तों साफ्ट को इसमें डाल देंगे, इस तरीके से पंप को इसमें जो साफ्ट है इसकी, इस तरीके से आप इसमें फंस देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये गरारी के बारे में। दोस्तों, जो ज़्यादा वाला हिस्सा होता है इसको याद रखें, अगर आप आई स्मार्ट 110 वगैरह में लगा रहे हैं दोस्तों, उसकी गरारी और इसकी गरारी में थोड़ा फर्क रहता है दोस्तों, उसका हिस्सा थोड़ा और ज़्यादा उभरा हुआ होता है। तो दोस्तों, क्या करना है, जिधर ज़्यादा वाला पोर्शन का हिस्सा है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो सीट बन हुई है दोस्तों, ये इसी तरीके से सीट इस पर काम करती है, इसको उल्टा बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है। आप इस तरीके से इसमें लगाएंगे। चलिए दोस्तों, आप इस तरीके से इसमें लगा लें और आपको दोस्तों मैं टाइट करके दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, मैंने गरारी को इसमें फंसा दिया है, क्या करेंगे, ये पिन पेचकस लेंगे और जो कटौवा वाला दोस्तों पोर्शन है, इस तरीके से आप इसको उल्टा घुमाएंगे दोस्तों और ये चढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको टाइट करेंगे, इस तरीके से घुमाते रहेंगे, और दोस्तों ये कितना टाइट होता है ये देख लेते हैं, ठीक है।
इस तरीके से टाइट करने के बाद आपको कोई कोशिश बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से बस पेशकश से जितना भी टाइट हो रहा है इसको उसी हिसाब से टाइट करेंगे। और बहुत ज्यादा टाइट क्यों नहीं करना है दोस्तों, ये इस तरीके से उल्टे राउंड पे काम करता है, ये टाइट की तरफ ही हमारी गरारी घूमती है। अगर इस साइड घूमती तब हमें टाइट करने की आवश्यकता थी, लेकिन दोस्तों ये इधरी की साइड पंप हमारा घूमता है, तो दोस्तों टाइट करने की कोई आपको जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं दोस्तों, गरारी का उल्टा सीधा बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से हमने बताया है आपको दोस्तों इसी तरीके से लगाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।